सो मैं बोल रहा था, आपने परफॉर्म किया, आपके लीडर्स नहीं थे उनके एब्सेंस में, आपने प्लांट को डील किया आपने पूरा, राइट? तो ये एक्सपेक्टेशन तो आपकी कंपनी के साथ होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट की, नॉर्मल 10-15 से हटा करके 25-30 या 35% इंक्रीमेंट मिले। क्यों बोलना चाह रहे ओके संजीत, सो प्रशांत सर जॉइंड अस एंड ही इज ए सीनियर जनरल मैनेजर एचआर एंड ईएचएस, हेलो सर, गुड हेलो आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संजीत, आई थिंक वर्टिका। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। संजीत गुड आफ्टरनून, सो आर यू वर्किंग संजीत विद वर्टिका एवरीडे? यस सर। ओके, सो व्हाट्स योर प्रोफाइल? What is your profile? What exactly you do on day-to-day basis? Sir, I am handling EHS, all the environmental and safety part of EHS. Like we have daily activities like implementation of work permit system at site, EHS in conduction of EHS induction, and all the scheduled annual training schedules. Environmental monitoring, that is waste water treatment plant जो भी हमारा है उसमें जो ऑपरेशन है प्लांट का वो मॉनिटर करना, और लीगल कंप्लाइंसेस लाइक हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, टूल बॉक्स टू कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, एसओपी प्रिपरेशंस एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी है सर वो सब चीज़ें करते हैं, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना, और जो भी हमारा ईएचएस की जो डोंट माइंड, कहीं पढ़ रहे हो भी? अपने सामने लिखा हुआ है एंड यू आर रीडिंग इट आउट। ओके, हाँ सर, मैंने पॉइंट आउट कर रखे सारी चीज़ें। चलो फाइन, थैंक यू। जी, ओके, सो व्हेन यू केम टू क्वांटिका, व्हाट एग्जैक्टली द चेंज यू लुक फॉर? सर, आई हैव टोटल 6.7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड बेसिकली आई हैव मोर एक्सपीरियंस इन इन्वायरमेंट देन सेफ्टी, बिकॉज व्हेन आई जॉइंड विच वॉज माई फर्स्ट कंपनी एज अ ईएचएस ऑफिसर, बट मैं वहाँ पर इन्वायरमेंटल पार्ट ही हैंडल करता था। बेसिकली जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसे हैंडल करता था, उसमें प्लांट के ऑपरेशंस और जो लैब की लैबोरेटरी वर्क रहता है वो सारा हैंडल प्लांट करता। यू वर एट इंदौर प्लांट और विच प्लांट? इंदौर लोकेशन नो नो सर, महाड़, महाराष्ट्र, क्या रायगढ़। और उसके बाद जब मैंने सर ट्राई का ज्वाइन करी तो वहां पर भी मेरा जो मेजर रोल था वो इन्वायरमेंट ही था। हालांकि मैंने जो सेफ्टी डिप्लोमा था वो मैंने महाराष्ट्र में ही किया था, बट मेरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था सेफ्टी का। फिर जब मैं ट्राइका में गया तो वहां पर मेजर जो मेरा 90% रोल जो था वो इन्वायरमेंट में था, लीगल कंप्लाइंसेस, वेस्ट वाटर लेबोरेटरी, ट्रीटमेंट प्लांट, सेफ्टी का मैं एज अ इंचार्ज ही रहता था। इंस्पेक्शन हो गया, फायर सेफ्टी सिस्टम का ट्रेनिंग्स हो गई, बेसिकली ये सब मेरा पार्ट था। व्हेन आई हैड अ इंटरव्यू, यहाँ पर मैंने सर जब सिस्टम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मुझे सेफ्टी सिस्टम वो विजिबल था, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली। हर जगह मैंने देखा कि सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है, आपके साइनेज लगे हुए हैं, मतलब एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे सेफ्टी से जानने को मिली। फिर मैंने जब आगे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सेफ्टी के फील्ड में ये प्लांट काफ़ी बेहतर है, तो ये कह सकते हैं कि एज अ फ्रेशर मैं यहाँ पर ट्रॉय का ज्वाइन किया था सेफ्टी में। और मैंने पिछले 2.5 से 3 साल जितने भी मैं यहाँ पर रहा हूँ मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लर्न करी हैं, जो भी मैंने सब चीज़ें मैंने अपने बुक्स में ड्यूरिंग द कोर्स ये सब चीज़ें पढ़ी थी वो सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी थी मैंने, करी है मैंने, लाइक इंस्पेक्शन हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, ऑडिट हैंडलिंग, इवन ऑडिट हैंडलिंग
इस पिछले 6 महीने में जब हमारे पास हमारे एचओडी नहीं थे, तो वो सारे जो हमने आईएसओ के ऑडिट, हमारे एनुअल आईएसओ ऑडिट होते हैं, वो सब किए, एक्सटर्नल ऑडिट को रिप्रेजेंट किया मैंने। तो ये सब चीजें सर मैंने यहाँ पर करी हैं, जो भी हमारे आईएसओ के कंप्लायंस होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर की है। तो ये सर मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि मुझे एज अ सेफ्टी पर्सन वर्क करना पड़ रहा है, तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था करने का सर। मुझे एक बात बताओ संजीत, हमें सेफ्टी एक अच्छे नॉर्म्स में, एनवायरनमेंट एक अच्छे नॉर्म्स में इंप्लीमेंट करना है इंडस्ट्रीज में, इसके लिए व्हाट इज द बैकअप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द स्टेचुरी कॉम्प्लायंस साइड? एक होता है ना कि जैसे हम कुछ पुलिस कोई काम करती है तो उसके लिए एक आईपीसी होती है, या जैसे पीएफ का कोई काम करते हो तो पीएफ का एक रेगुलेशन होता है, सेफ्टी के लिए कुछ रेगुलेशन है क्या? हाँ सर, सेफ्टी का सबसे बड़ा जो रेगुलेशन है वो हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 है, जो कि हमारी मेन गाइडलाइंस है, और बाकी जो भी सब चीजें सर वहां से ओरिजिनेट होती है वो हमारा फैक्ट्री एक्ट से ही ओरिजिनेट होती है। तो बेसिक जो गाइडलाइंस हमारी वो फैक्ट्री एक्ट है, जिसमें कि हमारा सेक्शन सेक्शन 11 से 40 तक हमारा सारा ईएचएस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट और हेल्थ से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारा प्लांट की क्लीननेस हो गया, हजार्डस वेस्ट या अदर वेस्ट, इफ्लुएंट वेस्ट हो गया, उसका डिस्पोजल हो गया, वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वर्कर्स के लिए, उनके लिए स्पेस कंस्ट्रेंट कितना होना चाहिए, लाइट इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, तो ऐसी सब चीजें सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, प्लांट में सेफ्टी और इन्वायरमेंट, यानी कि ईएचएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्कर के बीच में जो एक अच्छा संबंध है मैनेजमेंट का बनाने के लिए, वो सब चीजें सर हमारे फैक्ट्री एक्ट में हमें एक एज अ गाइडलाइंस दिया गया है, जहां पर हम सेफ्टी कमेटी बहुत मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाने का। गुड। अच्छा, जस्ट होल्ड फॉर मोमेंट। यस सर। गुड संजीत, थैंक यू। एंड एक बात बताओ, आप आईएसओ में कुछ चेंजेज हुए हैं सेफ्टी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर 2-3 साल में? हाँ सर, जो हमारा ओसास था वो अब ओएचएसएमएस हो गया है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 2018। ठीक है, इसी तरह से कुछ जो फैक्ट्री एक्ट आप बता रहे हो, यू आर सेइंग दैट कुछ ड्राफ्ट रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ड्राफ्ट ऐसे बने जिसमें कि फैक्ट्री एक्ट के जो सेफ्टी के मेजर्स थे दैट इज बीइंग चेंज्ड और दैट इज बीइंग क्लब्ड एट सम वन प्लेस, यू हैव एनी आइडिया ऑन दैट? मैं समझ नहीं पाया सर, आप ज्यादा थोड़ा क्लेरिफाई कर पाए तो शायद बेहतर। Sanjeev, I mean to say, have you come across that Factory Act is going to repeal, and there are so many acts for the HR safety and environment, right? But now government is clubbing all these rules, regulations into only 4 acts, 4 acts में इसको क्लब करके आ रहे हैं, तो any idea on that? सर इस विषय में तो मुझे अभी कुछ अपडेट नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूं सर। तो क्यों क्यों मूव ऑन होना चाह रहे हो? यू आर क्वाइट हैप्पी टू हैव गुड सेफ्टी सिस्टम ओवर देयर, यू आर गेटिंग गुड लर्निंग ओवर देयर, सो व्हाई यू वांट टू मूव ऑन दिस? सर पॉइंट 2.5 से 3 सालों तक काम किया है मैंने, और आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, एज अ टीम, एज अ इंडिविजुअल, और एज अ पिछले 6 महीनों में जो मैंने मैनेजरियल लेवल पे काम किया है, तो आई थिंक काफ़ी मैंने गेन कर लिया है। मैं मूव इसलिए करना चाह रहा हूँ सर कि मैं एक नए सिस्टम में जाके चीज़ों को वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, जो मैंने सीखा है मैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकूँ उन चीज़ों को। और सर अगर मैं करियर चेंज कर रहा हूँ, मतलब एक इंडस्ट्री चेंज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ नई लर्निंग्स होंगी, कुछ रिस्क होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो उन रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को लेकर सर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं सर चेंज करने का अभी प्लान कर रहा हूँ।
व्हाट इज द करंट सैलरी? सर करंट सैलरी यहाँ पर अभी 4.08 LPA. एंड व्हाट्स द टेक होम पर मंथ? सर 28.5. क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी की? सर सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 6 to 6.25. एंड नोटिस पीरियड कितने दिन होते हैं? सर 30 days, 1 month. Do you organize safety committee meetings? यस सर, हमारा यहाँ पे जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग है वो हम मंथली ऑर्गेनाइज करते हैं सर. मिनिमम 3 months में होना चाहिए, बट हम सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, क्योंकि एक हमारा बहुत ही रिस्की प्लांट है यहाँ पर, तो इसीलिए हम मंथली ऑर्गेनाइज करते हैं. और उसमें जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो प्लांट हेड हैं, और जो हमारे सेकेंड चेयरमैन है वो हमारे HR हेड हैं, और सेक्रेटरी EHS मेंबर रहते हैं जो EHS डिपार्टमेंट से सीनियर. और इसमें सर जो भी हमारे इश्यूज होते हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं और उनको टाइमली कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं सर. संजीत, थैंक यू संजीत फॉर योर टाइम. आई थिंक वी हैव गॉट फेयर एंड आइडिया अबाउट यू एंड मिस्टर राहुल विल लेट यू नो. मैं बोल रहा था आपने परफॉर्म किया, आपके लीडर्स नहीं थे उनके एब्सेंस में, आपने प्लांट को डील किया आपने पूरा, राइट? तो ये एक्सपेक्टेशन तो आपकी कंपनी के साथ होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट की नॉर्मल 10-15 से हटा करके 25-30 या 35% इंक्रीमेंट मिले. तो अगर आप अपने प्लांट की वर्किंग के अकॉर्डिंग आप दूसरे प्लांट में अगर एक्सपेक्ट करो कि मैंने यहाँ पे ऐसा काम किया तो मैं इतना 50% एक्सपेक्ट करो, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं वो चीज पॉसिबल है. हाँ, मैं सर इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर किया है वो मैंने खुद की ग्रोथ के लिए भी किया है. ओके, तो जो चीज मैंने पिछले 6 महीनों में यहाँ पर सीखा है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है एज अ सुपीरियर पोजिशन पे रह के, डिपार्टमेंट के सुपीरियर पोजिशन पे रह के, तो वो सब चीजें सर मैं आगे अपने जो टेन्योर जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वो सब मैं वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो ये कहना, नो इशू, लेट्स सी ऑन अ टेक्निकल राउंड. ठीक है, वो टेक्निकल राउंड में हम देखते हैं जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज रहेंगी उसके अकॉर्डिंग देन वी विल डिस्कस. आपने पॉन्टी का ज्वाइन कब किया था? सर पॉन्टी का ज्वाइन किया था मैंने मई 2020 में. और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर MSc एनवायरमेंटल साइंस एंड एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र. ओके. वू, या बेबी, दैट्स व्हाट आई बीन वेटिंग फॉर, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू गाइस.